महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खिचलीपुर में नाले के पास स्थित खंडेश्वर महादेव 84 महादेवों में 31वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार त्रेता युग में भद्राश्व राजा था, उसकी 100 रानियां थी। उनमें कांतिमती नाम की एक अति सुंदर रानी थी। एक समय अगस्त्य मुनि राजा के यहाँ पधारे। अगस्त्य मुनि 7 दिन तक राजा के यहाँ ठहरे। कांतिमयी रानी को देखकर अगस्त्य मुनि कहने लगे, प्रभु तुम्हारी लीला अपार है। इस प्रकार वे नित्य ही कहते थे। 7वें दिन ऐसा कहकर वे नाचने लगे। राजा ने विस्मित होकर पूछा कि महाराज आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। तब मुनि ने कहा, राजन पूर्व जन्म में विदिशा के वैश्य हरिदत्त के घर आपकी यह पत्नी दासी का कार्य करती थी। आप उसके पति थे और वहीं नौकर होकर कार्य करते थे। यह सब आपके व्रत के अपूर्ण होने के कारण हुआ था। वह वैश्य नित्य ही महाकाल की सेवा करता था, आप भी उसके घर की रखवाली करते थे। समय बीतने पर आपकी मृत्यु होने पर आपको उस वैभव की भक्ति के प्रभाव से यह पद प्राप्त हुआ है। तब राजा अपने परिवार सहित महाकाल वन में गया और वहां इस लिंग की पूजा की। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। इससे निष्कंटक राज्य भोग कर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। खंडेश्वर के दर्शन से विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर अग्नि आदि देवताओं को भी सिद्धि प्राप्त हुई थी। खंडेश्वर के पूजन से सब काम पूर्ण होते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।